नमस्कार आप सभी को। डेढ़ बज चुके रात के, तो गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप लोगों को बिहाइंड द सीन नहीं दिखा पाया, उसके लिए माफ़ करें। और रात के डेढ़ ही बज चुके हैं, आज हम ज़्यादातर फोकस शूट पे ही रख रहे थे, तो आज भी हम मैगी बना रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आज हम करछी भी नहीं भूले और चम्मच भी नहीं भूले। मैंने भैया को बार बार मैसेज करा कि भैया ये चीज़ें मत भूलना आज, और आज भैया देखो पीछे गेटअप हो रहे हैं। और मैं आपको मिलाऊंगा आज हमारे दो नए कैरेक्टर से, जिन्हें तो आप जानते होंगे, जो मैं आपको दो एपिसोड में दिखाई चुका हूँ। आज मैं उनका परिचय लूँगा, इंट्रोडक्शन लूँगा, उनका एक्सपीरियंस पूछूँगा इस नई वीडियो के लिए, कि कैसे उन्हें हमारे द पहाड़ी परिंदा चैनल में आके कैसा लग रहा है। तो चले उनसे बात करिए। तो ये है हमारे वियान भाई, तो कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, और आज तीसरा दिन है और टीम के साथ भी काफ़ी अच्छी वर्किंग हो रही है। और सबसे मेन बात ये है कि एक्टिंग का पहला ही मौका मिला, तो कोशिश हमारी भी यही है कि हम अच्छे से अपने किरदार को निभाएं और आप लोगों को पसंद आए। तो इसलिए द पहाड़ी परिंदे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। और ये हमारे पांडे भाई, आज मैं बिजी था इन दोनों का परिचय लेने में, तो हमारे पांडे भाई आज मैगी बना रहे हैं, आज चम्मच भी लाए और करछी भी लाए, तो काफ़ी बेहद खुश दिख रहे हैं आज। तो कैसा लग रहा है पांडे भाई आपको नई वीडियो के लिए? ओ माफ़ कीजिए, ये वीडियो तो स्क्रिप्ट तो आप ही ने लिखी है। इस वीडियो से बहुत उम्मीद है, हालांकि शूट में टाइम लग गया, शूट में क्या टाइम लग रहा है क्योंकि अभी क्रू पूरा नया है, तो आपस में बॉन्डिंग बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बस थोड़ा रिटेक्स ये सब चीज़ हो जा रही है, थोड़ा शूट अंधेरा रहता है, अंधेरे में लाइटिंग उस तरीके से मेंटेन करने में भी टाइम लगता है, इससे थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी। थैंक। और ये हमारे बलूनी भैया जी, जिनका किशनपुरी में जिम भी है। हेलो सर। जय हिंद दोस्तों। तो कैसा लग रहा है आपको इस वीडियो में? तो वीडियो में ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ी फिल्म कर रहे हो, और इतने दिन हो गए मेहनत करते करते, बस हालत फस्ता हो चुकी है, बहुत 3 बजे उठ रहा हूँ, फिर सवेरे 4 बजे 5 बजे फिर जिम भी जाना होता है, और जिम भी बच्चों को सिखाना होता है, फिर अपना भी शाम को करना होता है। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी बजट की फिल्म बन रही है, और पांडे जी हमारे जो बहुत बढ़िया डायलॉग लिखे हैं, बहुत बड़ी स्टोरी लिखी है, थ्रिल सरल सस्पेंस है, तो आप देखिएगा जरूर वीडियो को, और आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो हमारे भी चैनल बलूनी फिटनेस नाम से भी है, बलूनी फिल्म के नाम से भी है, तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो आप क्या जानना चाहेंगे? हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे आप अपनी बॉडी को ऐसे मेंटेन करते हो? देखिए ये बहुत ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और जैसे हम तैयार होते हैं और देखते हैं, हम जैसे हमने सुंदरता करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल बनाते हैं, कपड़े अच्छे बनते हैं, ऐसे ही हमें ज़िंदगी भर करना पड़ता है, तभी हम सुंदर देखते हैं, इसीलिए हमें बॉडी पर भी ज़िंदगी भर ध्यान देना पड़ता है, छोटे से लेकर बड़े तक, इसके लिए क्या बोल रहा है, क्या भला है, क्या चीज़ हमने खानी है, क्या नहीं खानी है, यही सब मैं देखता हूँ, एक्सरसाइज करना पड़ता है, उसके बाद हमें एक सुंदर शरीर, सुंदर काया का निर्माण होता है, और हम इसी तरीके से हम फॉलो करते हैं हर चीज़ को, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इतने साल हो गए मुझे, लगभग 20-22 साल से मैं लगातार एक्सपीरियंस करता जाता हूँ, घर की डाइट लेता हूँ, कभी छोड़ता हूँ कभी बढ़ाता हूँ, किसे क्या होता है क्या नहीं होता है सब बताता रहूँ, और आपको भी बताता रहूँगा, आप मेरे साथ जुड़ते रहेंगे, तो यही राज होता है, और कुछ होता है उसका अपने लाइफ टाइम तक आपको जो अपना ध्यान देना है खाने पीने का, और आप थोड़ा सा देखना चाहते हो तो देखो, मेरी उम्र लगभग 43 साल हो गई है, और अभी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर ही रहा हूँ मैं, और ये देखिए 44 साल में भी थोड़ा सा जितना भी हो सकता है। ये सब घर की डाइट से? ये सब घर की डाइट से, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया होती तो मैं लगभग 15-20 साल पहले इतना बड़ा जिम खोल चुका होता जितना मैं आज खोला हूँ। आज मैंने बड़ी मुश्किल से जो है कि इधर उधर से जो भी करके मैंने जिम खोला है, जिस तरीके से जिम खोला है, आज 20 साल लगे हैं मेरे को बलून फिटनेस को खेलने में। किशनपुरी में मेरा जिम है, हाँ बेस किशनपुरी कोटदार एरिया में आता है, आप आके देख सकते हैं मेरा जिम, कुछ कमी नहीं है, सारा सामान नया है, बहुत बढ़िया जगह, और स्पेस मैंने बड़ा कर दिया है। मोमो की दुकान हुआ करती थी मेरी, मैंने बंद कर दी है, सिर्फ एक चीज़ पर फोकस किया, फिटनेस पर, बच्चों की भी फिटनेस करेंगे, और काफ़ी आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कि पतला होना है मोटा होना है, सबका इलाज हमारे पास है, सिर्फ घर की डाइट से, और हम इतने अच्छे हैं नहीं कि जो हम बहुत अच्छी महंगी डाइट लेंगे, तो आपको भी इसी डाइट पे हम बताएंगे। तो यार नई वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तो आप सब्सक्राइब करें द पहाड़ी परिंदे चैनल को, और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को दबा दें, तो ये वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। हम शूट के साथ रात को शूटिंग कर रहे हैं, तो हम दिन में एडिटिंग भी कर रहे हैं, मतलब भैया, तो भैया काफ़ी बिजी भी रहते दुकान में, और
दुकान में बैठे बैठे एडिट भी कर रहे हैं आजकल। तो ये वीडियो आपके पास जितना जल्दी हम ला सकते हैं हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो को जल्दी लाने की। तो आपको मिलते हैं क्योंकि हम अब खा रहे हैं मैगी। टाटा बाय, गुड नाइट।